जयपुर से अब आपको खबर बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए बैठक ले रहे हैं। बैठक में कोरोना, टिड्डी नियंत्रण, मनरेगा, पेयजल व्यवस्था पर चर्चा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मंत्री बीडी कल्ला, सीएसडीबी गुप्ता, एसीएस होम राजीव स्वरूप, कोर ग्रुप के सदस्य भी वीसी के जरिए जुड़े हैं। विभिन्न विभागों के आला अधिकारी वीसी से जुड़े हैं। प्रयास किए गए और राज्य सरकार की सराहना भारत सरकार एवं अन्य स्तरों पर भी की गई है। अक्सर जिला स्तर पर हम वीसी करते रहे हैं और जिला कलेक्टर्स और जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत मुख्यमंत्री जी की होती रही है। उसके बाद हम गए उपखंड स्तर पर, जहां पर उपखंड अधिकारियों और उपखंड स्तर के अन्य अधिकारियों से बातचीत की गई, ब्लॉक सीएमएचओस वगैरह से, आयुर्वेद के ऑफिसर से। परंतु यह पहला अवसर है जब हम ग्राम पंचायत स्तर पर जा करके आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं। आज हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु चार विषयों से संबंधित होंगे। प्रथमतः हम कोविड-19 पे मेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे और क्वारंटाइन से संबंधित बात आपसे करेंगे। रोहित कुमार सिंह जी अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा, वर्तमान स्थिति जो कोविड की है, उसकी रणनीति, उसमें एक्टिव केसेस आदि के बारे में आपसे बात करेंगे। उसके पश्चात कोविड-19 से निपटने पर खासतौर से भारी संख्या में आए हुए प्रवासियों को देखते हुए प्रभावी क्वारंटाइन हमारा मुख्य हथियार है, उसके लिए आप लोग जो फील्ड में हैं उनकी प्रमुख भूमिका है, आपसे क्या अपेक्षित है, इस पर प्रेजेंटेशन देंगी श्रीमती वीनु गुप्ता अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी। तीसरा प्रेजेंटेशन होगा कृषि से जुड़ी टिड्डी नियंत्रण एवं आगामी खरीफ की तैयारियों के बाबत, हमारी क्या तैयारियां कृषि विभाग ने की हैं, वो आपको प्रस्तुति देंगे श्री नरेश गंगवार, प्रमुख शासन सचिव कृषि। इसके बाद नरेगा में किस प्रकार अधिक से अधिक ग्रामवासी जो कि काम चाहते हैं का जुड़ाव किया जाए, खासतौर से प्रवासी श्रमिकों का, और कैसे ग्राम के लिए आवश्यक सड़क, सिंचाई, खेत विकास के उपयोगी कार्य हाथ में लिए जाएं, इस पर प्रस्तुतिकरण करेंगे श्री राजेश्वर सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास। और पांचवा और अंतिम प्रेजेंटेशन होगा, गर्मी का मौसम है इसलिए पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा आवश्यक है, तो वर्तमान में हैंडपंप्स, ट्यूबवेल्स, टैंकर से पानी वितरण आदि के बारे में आपको बताएंगे श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव पीएचईडी। जब सारे ये कंसर्न अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव अपना प्रस्तुतिकरण कर देंगे, तो इन्हीं बिंदुओं पर संबंधित मंत्रीगण भी अपने विचार रखेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी आप में से कुछ सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक, बीएलओज वगैरह जो ग्राम स्तर पे हैं उनसे सीधी वार्ता करेंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनसे सीधी वार्ता करना है और फील्ड में क्या स्थिति है इसके बारे में फर्स्ट हैंड आपसे जायजा लेंगे, और तत्पश्चात उनके उद्बोधन के साथ ये कार्रवाई समाप्त होगी। तो आज सबसे पहला प्रेजेंटेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रोहित कुमार सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। सभी को नमस्कार। मैं लगभग 7-8 मिनट में जो स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है उससे आप सभी को परिचित कराऊंगा। राजस्थान की जो मुख्य रणनीति रही है कोविड-19 के कंट्रोल में, वो रही है एग्रेसिव टेस्टिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके पॉजिटिव केसेस को चिन्हित किया जाए। तो अभी तक हमने राज्य में लगभग 380,000 सैंपल्स को टेस्ट किया है, और जब से ये बीमारी 2 मार्च से राजस्थान में प्रवेश किया इसने, तब से अब तक 8,414 लोग इसमें पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। थोड़ा संतोष की बात यह है कि इनमें से 5,290 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, और अभी एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 3,000 है, 2,939 एग्जैक्टली अगर दिया जाए, और 185 लोगों की मृत्यु हुई है। और मृत्यु की जो दर है, जिसको केस फेटेलिटी रेट जो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है पैरामीटर, वो 2.19% है, वो भारत के जो एवरेज है और अन्य जो हमारे सिमिलरली सिचुएटेड राज्य हैं उनके एवरेज से थोड़ा कम है। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि इन 185 व्यक्तियों में से 129 व्यक्ति कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त है। कोमॉर्बिडिटी से तात्पर्य यह है कि इनमें अन्य गंभीर बीमारियां थी, तो जो मृत्यु का कारण है वो अन्य बीमारियों का होना और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव होना, दोनों है। नेक्स्ट, अगर जब से ये राज्य में बीमारी शुरू हुई इसका ग्राफ अगर देखें, तो जो सबसे पहला जो लाइट ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या है, और जो हरा ग्राफ है जो सेकंड वाला, ये है कि लोग जो ठीक हुए उनका नंबर है।
यदि इस पे अंतिम कुछ हफ्तों में ध्यान दें या लगभग पिछले 10 दिनों पे, तो ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसीलिए हमारा पॉजिटिव केसेस का नंबर या तो स्टेबल हो गया है और कल थोड़ा सा कम भी हुआ, ये लगभग 3,100 के आसपास था पिछले एक हफ्ते से, और अभी 10:30 बजे सुबह की स्थिति है कि ये 2,939 पे कम हो गया है, तो ये हमारे लिए थोड़े संतोष की बात है। नेक्स्ट, जो ठीक होने की दर जिसको सभी राज्य और सभी देश मॉनिटर करते हैं, इसमें एक बड़ा तेजी से परिवर्तन आया है और आज पहली बार ये दर राजस्थान में 60% से ऊपर होके लगभग 63% के आसपास हो गई है, 62.69। ये भी एक संतोष की बात है कि हमारी जो अर्ली डिटेक्शन और एडिक्वेट हेल्थ केयर प्रोविजन की नीति है वो असर अपना दिखा रही है, ये इस ग्राफ से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट, अगर अन्य राज्यों के कंपेयर में मृत्यु दर देखें तो हमारे जो हमारी साइज के जिसको हम सिमिलरली सिचुएटेड राज्य बोलते हैं, राजस्थान का जो बार है वो ऑरेंज कलर का है, तो हमारी मृत्यु दर लगभग 2.2% है, जबकि अन्य जो हमारी साइज के राज्य हैं उसकी मृत्यु दर ज़्यादा है, हालांकि कुछ राज्यों की मृत्यु दर हमसे कम भी है। पर इसमें एक चीज़ ये भी नोट करने वाली कि कुछ राज्यों में टेस्टिंग अपेक्षाकृत कम हो रही है, तो वो पॉजिटिव केसेस का जो चिन्हीकरण है वो भी थोड़ा कम हुआ है। नेक्स्ट, ये अन्य राज्यों जो हमारे सिमिलर साइज के या आस पड़ोस के राज्य हैं उनके कंपेयर में हमारी जो कुल स्थिति है कि कुल केसेस एक्टिव केसेस कितने हैं, कितने केस ठीक हुए और मृत्यु कितनी हुई, ये कंपैरेटिव है। केवल ये प्रस्तुतिकरण इसलिए है कि अन्य राज्यों के कंपैरिजन में हम कहाँ पर हैं। नेक्स्ट, और कोविड की जो अभी स्थिति है उसमें हमारा आप सभी से ये निवेदन है कि हमारी जो रणनीति है वो ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल हैं वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, 113 की संख्या में राजस्थान में अस्पताल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिनमें बीमारियों के लक्षण नहीं होते हैं उनको कोविड केयर सेंटर में भी ट्रीट किया जा सकता है। उन 113 के अतिरिक्त 280 कोविड केयर सेंटर भी उपलब्ध हैं, और हमारी जो टेस्टिंग की क्षमता है जो 2 मार्च को शून्य थी वो आज की तारीख में लगभग 16,500 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की क्षमता है, जो बढ़कर शीघ्र ही 25,000 हो जाएगी। तो इस बीमारी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसमें बेड ICU इत्यादि भी उपलब्ध हैं, और जो कोरोना वॉरियर्स की टीम है, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस पर्सनल, सफाई कर्मी और अन्य सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं, वो पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने लगभग पिछले 3 महीनों से काम किया है। तो इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज का एलिमेंट है वो कमिटेड है, और उसके बारे में कोई भी चिंता की बात नहीं है। और अगर जैसा कि WHO ने कहा है कि हो सकता है इसकी एक सेकेंड वेव आए और केसेस की संख्या एकदम से जुलाई अगस्त या अगस्त सितंबर में बढ़े, तो उस स्थिति से निपटने के लिए भी संसाधनों की समुचित उपलब्धता है और हम पूरी तरह से तैयार हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, और पिछले कुछ समय जो विभिन्न लॉकडाउन के फेजेस हुए, जो पहला कड़ा लॉकडाउन था 1, 2, 3, 4, इसमें जिस प्रकार से सभी जनप्रतिनिधियों, जनता ने और सभी लोगों ने जिस तरह का सहयोग किया है उसके लिए राज्य सरकार सभी की आभारी है। परंतु अभी जैसा कि स्लाइड का टाइटल बोला है, सावधान रहने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार जिस तरह का अभी तक सहयोग किया है भविष्य में भी इसी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। तो इस बारे में कुछ ये निवेदन है कि अगले कुछ समय तक सरकार के जो भी निर्देश आते हैं कंटेनमेंट जोन या कर्फ्यू एरियाज के लिए या अन्य एरियाज के लिए, उसका पालन सुनिश्चित करें, और व्यक्तिगत जो सुरक्षा है, क्योंकि जब आप खुद सुरक्षित रहेंगे तभी समाज भी सुरक्षित रहेगा, उसके जो की वर्ड्स है वो SMS है, जो वैसे भी राजस्थान में प्रचलित वर्ड्स है। पहला S है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो बहुत आवश्यक है, और मास्क का उपयोग किसी भी पब्लिक प्लेस में घर से बाहर निकल के वो भी ज़रूरी है, और वो अभी कुछ समय तक मेरे ख्याल से अगले 5-6 महीने तक ये ज़रूरी रहेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पर्सनल हाइजीन, और उसमें साबुन या सैनिटाइजर, साबुन को प्रेफर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो साबुन इफेक्टिव होता है कोरोना वायरस को का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फैट होता है उसके बाहर, वो साबुन से तुरंत निकल जाता है। तो साबुन से अगर लगातार हाथ धोएं दिन में 5 बार 10 बार, जिस तरह का आपका एक्सपोजर है, तो इससे इस बीमारी के इफेक्टिव कंट्रोल में काफ़ी सहायता मिल सकती है।